सादत हसन मंटो की कहानी शू शू दा बाकी दा भाग। मैं बिस्तर तो उठिया ते दरवाजे दे नाल कान लगा के खड़ा हो गया। दोवें दुल्हना माशाल्लाह बड़िया खूबसूरत सन, चंदे सूरज चंदे महताब। शायद दो लड़कियां आपस गल्लां कर रही सन। उन्हां दे विषय ने मेरी दिलचस्पी वधा दित्ती ते मैं ज़्यादा गौर नाल सुनना शुरू किया। तिले वाली सुरख साड़ी च नरगिस किन्नी भली लगती सी, गोरियां गोरियां गल्लां ते खिलरी हुई मुकैश। जी चाहुंदा सी वध के बुलावां लै लवां। बेचारी सिमटी जा रही सी, सिर तां चुकिया ही नहीं उहने, ते शर्म हया कदों तक रहेगी। अज रात उई अल्लाह, तू कैसियां गल्लां कर रही शुशु। इहदे नाल ही कपड़े की सरसराहट सुनाई दित्ती। मेरे जिसम च बिजली जी दौड़ गई। शुशु तो उन्हां विचों एक सुशीला भी सी। मेरी दिलचस्पी होर भी वध गई ते मैं दरवाजे विच कोई मोरी तलाश करनी शुरू की कि उन्हां दी गुफ्तगू दे नाल नाल उन्हां नूं भी वेख सकां। एक कवाड़ दे हेठले तख्ते च छोटी जी गठ निकल गई सी। इस तरह चुआनी जिन्नी मोरी हो गई सी। गोड्यां परने बैठ के मैं उत्ते अख गड्ढ दित्ती। शुशु कलीन ते बैठी बिस्किटी रंग की साड़ी नाल अपनी नंगी पिंजड़ी नूं ढक रही सी। उहदे कोल इफ्त शर्माई हुई जी गाओ तकीए दे दोनों कूहणियां टिकाई लेटी सी। इस वेले उन्हां गोरियां चिट्टियां दुल्हनां ते की गुजर रही होएगी। शुशु ए कह के रुक गई ते अपनी आवाज़ दबा के उन्हें इफ्त दियां चूड़ियां नूं छेड़ के उन्हां च छन छन पैदा करदे हुए कहा, जरा सोचो तां। इफ्त दियां गल्लां एक पल लई थर थर आईयां। किहो जिहियां बहकियां बहकियां गल्लां कर रही हैं शुशु? जी हाँ, जिवें इन्हां गल्लां च दिलचस्पी नहीं मेरी बन्नो नूं वस विच होवे तां जल्द तो जल्द अपना विआह रचा लो। इफ्त ने सुशीला दी गल कट दित्ती ते इन्हां दुल्हनां नूं कित्थे लै गए हन शुशु? कित्थे लै गए? शुशु मुस्कुराई। समुंदर दी तह विच जिथे जलपरियां दा राज है, कोकाफ दियां गुफावां विच जिथे सिंगां वाले जिन रहिंदे है। कुछ पल लई एक भेत भरी चुप तारी रही। इहदे बाद शुशु फिर बोले, कित्थे लै गए? लै गए होणगे अपने अपने कमरियां च। विचारियां नूं नींद किवें आएगी? एक कुड़ी ने जो अजे तक खामोश बैठी सी ते जिहदा नाम मैं नहीं जाणदा, अपना अंदेशा जाहर किया। शुशु कहन लगी, बेचारियां, कोई जरा उन्हां दे दिल तो जाके पुछे कि उन्हां दियां अखां च रत जगे लई किन्नियां बेकरार सन, तां बहुत खुश होणगियां। होर की? ते मैं इह सुणिया है कि ये लोग बहुत सताया करते हैं। इफ्त सुशीला दे कोल सरक आई। मैं पुछदी हाँ, तैनू अंदेशा किस गल का हो रहा है? जदों तैनू उह सताउण लगणगे तां ना सताउण देना उन्हां नूं, हाथ पैर बन्न देना उन्हां दे। हुणे तो फिक्र च क्यों घुली जा रही है? हाय हाय, इफ्त ने तेजी नाल कहा, तू कई गल्लां कर रही है शुशु? वेख तां मेरा दिल किन्ने जोर नाल धड़कन लगा है। इफ्त ने सुशीला दा हाथ चुक के दिल वाली जगह ते रख दिता। क्यों? शुशु ने इफ्त दे दिल दियां धड़कना गौर नाल सुनिया ते बड़े भेत भरे लहजे च कहा, जानदी है की कह रहे है? इफ्त ने जवाब दिता, नहीं तां ये कहिंदा है इफ्त बानू गजनवी दुल्हन बनना चाहती है। छड्डो जी, शर्म तो नहीं आती तैनू? इफ्त ने मुस्कुरा के करवट बदली। दिल अपना चाहता है तेरा, ते खाम खाए सब कुछ मेरे सिर मड़ रही है। फिर अचानक उठ खड़ी हुई ते सुशीला नूं पुछण लगी, हाँ ये तो दस शुशु, तू भला किहो जे आदमी नाल ब्याह करना पसंद करेंगी? मेरे सिर दी सौं, सच सच दस मैनू। हाय हाय करें जेकर झूठ बोले, मैं क्यों दसा? ये कह के सुशीला ने तेजी नाल अपने सिर नूं हरकत दित्ती। उहदा चेहरा जो मेरिया निगाहां तो ओले सी सामने आ गया। मैं गौर नाल वेख्या, मैनू बेहद हुसीन लगी। अखां मस्त सन, होठ तलवार दे ताज़े फट वांगू खुले हुए सन। सिर दे कुछ परेशान वाल बिजली दी रोशनी नाल जगमग फिजा च नच रहे सन। चेहरे का गंदमी रंग निखरिया होया सी ते सीने तो साड़ी का पल्लू हेठां ढिलक गया सी, हौली हौली धड़क रहा सी। चौड़े मत्थे ते सुरख बिंदी बड़ी प्यारी लगती सी। इफ्त ने अड़ी की, तैनू मेरे सिर दी सौं दस? शुशु ने कहा, पहला तू दस। तो सुन,
पर किसी नूं दसेंगी तां नहीं। ये कह के इफ्त कुछ शर्मा जी गई। मैं चाहनी हाँ मेरा विआह एक अजिहे नौजवान नाल होवे। अजिहे शुशु बोली, तौबा हुण कह भी दे। इफ्त ने मत्थे उपरों वाल हटाए ते कहा, अजिहे नौजवान नाल होवे जिहदा कद लम्मा होवे, जिसम वड्डे भरा की तरह सुडौल होवे, इंग्लैंड रिटर्न होवे, अंग्रेजी फर्र फर्र बोलता होवे, रंग गोरा ते नक्श तिखे होण, मोटर चलाउणा जाणदा होवे ते बैडमिंटन भी खेडदा होवे। शुशु ने पुछया, बस कह चुकी? हाँ। इफ्त ने अध मिटे होठां नाल सुशीला वल गौर नाल वेखना शुरू किया। मेरी दुआ है परमात्मा तैनूं अजिहा ही पति देवे। सुशीला का चेहरा बहुत गंभीर सी ते लहजा अजिहा सी जिवें मंदर च कोई मुकद्दस मंत्र पढ़ रही होवे। वह कुड़ी जो गलबात बहुत घट हिस्सा लेंदी सी बोली, इफ्त हुण शुशु की वारी है। इफ्त जो शुशु की साड़ी का एक किनारा फड़ के अपनी उंगल के दुआले लपेट रही सी कहन लगी, बई हुण तू दस, असी तो अपने दिल की गल तैनू दस दिती। शुशु ने जवाब दिता, सुन के की करेंगी, मेरे ख्याल तो बिल्कुल वक्रे है। वक्रे हो मिलते होन तो असी सुने बिना तैनू नहीं छड़ना। मैं? सुशीला ने छत वल देखा, कुछ देर खामोश रहन तो बाद कहन लगी, मैं ते तू मजाक उड़ाएंगी इफ्त? अरे तू दस तां। सुशीला ने कहा भरी, मेरे सुपने अजीबो गरीब हैं इफ्त, ये मेरे दिमाग च साबण दे रंग बिरंगे बुलबुलियां दी तरह पैदा हुंदे आ, अखां दे सामने नच के गायब हो जांदे आ। मैं सोचदी हाँ फिर सोचदी हाँ कि मैं क्यों सोचदी हाँ, इंसान जो कुछ चाहता है जेकर हो जाया करे तो कितनी चंगी गल है, पर फिर जिंदगी की रह जाएगा? ख्वाहिशां ते तमन्नावां कित्थों पैदा होणगियां? असी जिस तरह जी रहे हैं ठीक है, जानदियां कि कुछ मंग रही हैं नहीं मिलेगा, पर दिल विच मंगता रहेगी कि जिंदा रहन लिए काफ़ी नहीं? इफ्त ते दूजी कुड़ी खामोश बैठियां सन। शुशु ने फिर कहना शुरू किया, मैं अपना जीवन साथी एक अजिहे नौजवान नूं बनाउणा चाहुंदी हाँ जो सिर्फ उम्र के पक्षों ही जवान ना होवे, सगों दा दिल उहदा दिमाग उहदा रोम रोम जवान होवे, उह शायर होवे। मैं शकल सूरत की कायल नहीं, मैनूं शायर चाहिए जो मेरी मुहब्बत गिरफ्तार होकर सिर तो पैरों तक मुहब्बत बन जाए, जिहनूं मेरी हर गल च हुसन नज़र आए, जिहदे हर शेयर च मेरी ते सिर्फ मेरी तस्वीर होवे, ते जो मेरी मुहब्बत दियां गहराइयां च गुम हो जाए। मैं उन्हूं इन्हां तमाम चीज़ां दे बदले च अपनी औरत पुने दा वह तोहफा देंगी जो अज तक कोई औरत नहीं दे सकी। वह खामोश हो गई। इफ्त हैरत दे मारे उहदा मूँह तक्कण लगी। उहदे चेहरे तो लगदा सी उह सुशीला दियां गल्लां दा कोई मतलब नहीं समझ सकी। मैं खुद हैरान सी कि 15-16 साल दी इस दुबली पतली कुड़ी दे सीने च कैसे कैसे ख्याल करवटां लै रहे हैं। उहदा एक एक लफ्ज़ दिमाग च गूंज रहा सी, जेकर वह मैनू नज़र आ जाए। यह कह के सुशीला अगे वधी ते इफ्त दे चेहरे नू अपने दोनों हत्थां च लैके कहन लगी, तां मैं उहदे स्वागत लई वधां ते उहदे होठां ते उह चुम्मण जड़ दवां जो एक जमाने तो मेरे होठां दे हेठां बल रहा है। ते शुशु ने इफ्त दे हैरत नाल खुले हुए होठां ते अपने होठ चिपका दिते ते देर तक उन्हां नू चिपकाई रख्या। ताज्जुब है इफ्त बिल्कुल शांत बैठी रही, खफा ना हुई। जदों दोवां दे होठ एक मध्यम आवाज़ दे नाल जुदा होए, उन्हां दे चेहरे मैनू नज़र आए ते एक अजीबो गरीब नज़ारा वेखण च आया जिन्हों शब्दां च बयान नहीं किया जा सकता। इफ्त उस शहद की मक्खी की तरह सरूर ते खुमार च डुबी लगती सी जिन्हें पहली बार फुल दियां सोल पत्तियां ते बैठ के उहदा रस चूसन की लज्जत महसूस की है। तो सुशीला होर ज़्यादा रहस्यमयी हो गई सी। आओ हुण सौ जाइए। ये नींद भरी तो हौली आवाज़ इफ्त दी सी, ये नाल ही कपड़िया की सरसराहट भी सुनाई दिती। मैं ख्यालों के डूंघे समुंदर च गेड़ा गोता मार गया। गंदमी रंग की निक्की जी गुड्डी अपने निक्के जे दिमाग च कैसे कैसे अनोखे ख्यालों नूं पाल रही सी, तो किहड़ा तोहफा अपने औरत पुने दे दामन च छपाई बैठी सी जो अज तक कोई औरत मर्द नूं पेश नहीं कर सकी। मैं मोरी चों वेख्या, शुशु ते इफ्त दोवें एक दूजे दे गल च बाहां पाई सौं रहियां सन।
ਸ਼ੂਸ਼ੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਫੀਫ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਵਾਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ।